हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं थाई रेड चिकन करी बनाऊंगी, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करें। थाई चिकन करी बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला रेडी करेंगे। तो मैंने मसाले में यहाँ सबसे पहले लेमन ग्रास लिया है, ये 2 से 3 स्टिक है नीचे वाले, और पत्तों को मैंने अलग कर दिया है। और ये गरम पानी में सोक्ड रेड चिली है, सूखा लाल मिर्च जो गरम पानी में भिगा के रखा था, तो उसे भी यहाँ पे कट करके ले लिया है। और एक प्याज है, ये आपको अगर छोटे अनियन मिलते हैं तो आप वो ले लें, और गार्लिक, और ये जिंजर, और ये मैंने लेमन लीफ मुझे नहीं मिला इसलिए मैं ये लाइम के थोड़े से छिलके ले रही हूँ। ये हाफ लेमन जूस है। आप लेमन के छिलके थोड़े कम ही लें वरना ये कड़वा भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ सिर्फ कलर के लिए। और इन सब को एक मोटा पेस्ट बना लेंगे, ऐसे दरदरा पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं करेंगे। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। और अभी इसी में मैं ये जो चिली वाटर था जिसमें हमने चिली भिगो के रखा था वो मिक्स करके और इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। और ये 1 कप कोकोनट मिल्क है, और मैंने यहाँ पर ये 200 ग्राम बोनलेस चिकन का पीस लिया है छोटे टुकड़ों में। बस ये 3 चीज़ें हैं जो हमें चाहिए मेन। तो अब हम एक पैन लेंगे, उसे गरम करेंगे और उसमें तेल डालेंगे। ये कोकोनट ऑयल है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या तिल का तेल डाल सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा लेमन ग्रास डाली हूँ अभी, और थोड़ा सा कट करके ऐसे छोटे टुकड़ों में डालूँगी। इससे इसका फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आएगा, वैसे तो हमने मसाले में डाले ही हैं ढेर सारे। और अब ये पेस्ट, ये मसाला इसमें डाल देंगे। मुझे थाई कुजीन में सबसे ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर ही लगता है जो कोकोनट और लेमन का आता है, तो मैंने बस वही मेन फ्लेवर को यूज़ करके ही ये डिश बनाया है। और तीखापन इसमें वो रेड चिली जो हमने सोक करके रखा था उससे आएगा, और कश्मीरी मिर्च से कलर आएगा। तो इसी तरह से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इन सबको अच्छे से फ्राई करके इसमें चिकन डाल देंगे, और चिकन को थोड़ी देर तक इसमें भुनेंगे जिससे सारे मसाले चिकन में अच्छे से मिल जाएं। और इसमें थोड़ा नमक डालकर हम इसे ढक देंगे, और ढक कर इसे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। मैंने इसमें नमक डाला है और वो वीडियो शायद बंद हो गया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लें। और अब हम इसमें ये कोकोनट मिल्क डाल देंगे। चिकन में मसाला और नमक अच्छे से मिल गया था इसलिए अब हम इसमें कोकोनट मिल्क डालकर, और ये मिल्क गाढ़ा है, कैन वाला मिल्क है जो मार्केट में मिलता है, तो इसे मैं अच्छे से इसमें मिलाकर और थोड़े से बेजिल लीफ डालकर ढककर करीब 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसके बाद ये पककर पूरा तैयार हो गया है। इसमें मैं इसके ऊपर से बस इसे गार्निश करने के लिए थोड़े काजू नट्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं अपने पसंद का, या नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, या कोरिएंडर के लीव्स डाल सकते हैं। तो इसमें बेजिल के पत्ते और काजू नट्स डाल के, जो मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया था बहुत ही लो फ्लेम पे, तो ये बहुत अच्छे से चिकन पक चुका है और ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। तो हम इसे अब सर्व करेंगे
और सर्व करने के लिए इसे दो तरीक़ों से कर सकते हैं। ये तो आप ऐसे बाउल में निकाल कर और थोड़े गार्निश करके अपने टेबल पर रख सकते हैं, और इसे स्टीम राइस के साथ खाएं तो अच्छा है। तो मैं स्टीम राइस के साथ इसकी प्लेटिंग भी करके दिखाऊंगी। ये बाउल के ऊपर मैंने ये थोड़े से बेजिल के पत्ते डाले हैं, और ये मीठी चटनी और कोकोनट मिल्क से मैं इसे गार्निश करूँगी, तो इसमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी आएगा। और ये इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ, जिसमें लेमन स्लाइस है और लेमन ग्रास है, और ये स्टीम राइस है जिसे घी लगाकर अच्छे से एक बाउल में मैंने सेट कर लिया था। आप ऐसे भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर ये चिकन डालेंगे। इस डिश के अंदर ऑयल कम है और ये एक हेल्दी डिश है, और प्रोटीन और कार्ब इसके अंदर अच्छे मात्रा में हैं। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।